सलाम पाकिस्तान, सलाम न्यूज के साथ मैं हूं उसामा रियाज विर्क। खबरों का आगाज करेंगे, सबसे पहले शामिल करेंगे दुनिया भर से टॉप 10 न्यूज। वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी वजीरिस्तान में इंटरनेट की 3G और 4G सहूलत आज से शुरू करने का ऐलान कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, यहाँ पर हर खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा और हम यहाँ पर डैम बनाकर पानी का मसला भी हल करेंगे, जबकि यहाँ पर नौजवानों को स्कॉलरशिप देंगे और पीछे रह जाने वाले इलाकों में नौजवानों के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप्स रखेंगे। मक्का मुकरमा के एक होटल से मुतअद्दिद कैमरे, बिजली का सामान और केबल चोरी करने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फैसल वावडा ना एली केस में कहना है कि कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, मेरिट पर फैसला करेंगे। दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से सऊदी अरब को 17वां नंबर दिया गया। लाहौर के तारीखी कजाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। कजाफी स्टेडियम को एक बार फिर मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां तवील वक्फे के बाद मैचेस का इनेकाद होने जा रहा है, इसलिए कजाफी स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफे के लिए तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। श्रीलंका के एक रूहानी पेशवा ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचने के लिए एक करिश्माती शरबत तैयार करने का दावा किया, जिसे पी कर कई लोग वायरस में मुब्तला हो गए। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तो जमाल मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का पैसा इमरान खान की जमान पार्क और बनीगाला में रिहायश गांव पर इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1772 नए केसेस भी सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 39,604 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1772 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 48 अमवात भी रिपोर्ट हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी तहकीकात बंद करने की दरख्वास्तें निपटा दी। नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने की रिपोर्ट जमा कराई। अमरीकी सदर की अलफबरदारी की तकरीब की सिक्योरिटी पर तैनात हजारों एहलकारों में से 12 एहलकारों को अचानक हटा दिया गया। जी नाजरीन, ये थी दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।